हाय फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बेसिल की तरफ से यहां पर दो पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी आई हुई है ज़बरदस्त वैकेंसी फ्रेंड्स यहां पर है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर है और यहां पर वेरियस यानी कि बहुत सारे पोस्ट हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा ये जो है आपको जॉब लोकेसन रहने वाला है दिल्ली के अंतर्गत आपको जॉब मिलेगा वहीं पर जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम आपको करना पड़ेगा ये रहा विज्ञापन संख्या एक ठीक है तो हम चलते हैं इसका फुल जो नोटिफिकेशन है उस पर और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है पटना हाईकोर्ट के अंतर्गत स्टेनो का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका जो है एडमिट कार्ड आउट हो चुका है बहुत पहले ही और जो है तीस अप्रैल को तीन शिफ्ट में सभी का एग्ज़ाम है ठीक है जिसमें कि तीस नंबर का आपका इंग्लिश ग्रामर है और बीस नंबर का आपका कंप्यूटर है ठीक है तो बीस नंबर फ्रेंड्स अगर आप लोग लाना चाहते हैं कंप्यूटर में जहाँ की एग्ज़ाम होने वाला है आई ओ एन डिजिटल जोन जो कि पटना में इसका सेंटर है वहीं पर एग्ज़ाम हुआ था 2019 में बेल्ट्रॉन का ठीक है तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर एम एस पावर पॉइंट एक्सेल एम एस वर्ड यानी जितने भी एग्ज़ाम फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट था वो पूरा जो पी है फ्रेंड्स अवेलेबल है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है अगर आप लोग बीस में बीस नंबर लाना चाहते हैं तो उस पी को जोर पढ़ लीजिए जो कि बेल्टोन में पूछा गया था उसमें जो है लगभग आपका पच्चीस सौ से ज़्यादा क्वेश्चन है एम सी क्यूज़ जो कि आई ओ एन डिजिटल डोन जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम होगा आपका सी बी टी जिसमें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा बीस नंबर का वही क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स तो वो लोग आप अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा ठीक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं स्टेनों का या कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कि होने वाला है आगे अभी फ़िलहाल स्टेनों का है तो आप लोग बुक को को बाय करके पढ़ सकते हैं बहुत ही आप लोग का हेल्प होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पहला फ्रेंड्स जो है पोस्ट वो है ऑफिस असिस्टेंट जो कि 200 पोस्ट के लिए है इसमें जो है इक्कीस साल से पैंतालीस साल जो एज है इसमें और इसमें जो है ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपको पास करना पड़ेगा रिटर्न टेस्ट जिसमें कि ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा जिसमें कि करेंट अफेयर्स इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग लिखा जाएगा और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए टेस्ट होगा इसमें एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का उसके बाद जो है आपको पैंतीस वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टेस्ट टाइपिंग का और तीस वर्ड पर मिनट हिंदी का आपको दोनों फेज से गुजरना होगा और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा ये जो है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए है और जो सैलरी है जो भी ग्रेजुएट के लिए वहाँ पर जो मिनिमम वेज है दिल्ली के अंतर्गत तो वो आपको दिया जाएगा ठीक है दूसरा जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का कुल एक पोस्ट पर है इसमें जो इंटर पास है मिनिमम या ग्रेजुएट है दोनों तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो है आपको टाइपिंग टेस्ट होगा पैंतीस वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और तीस वर्ड पर मिनट हिंदी का यहाँ पर दिया गया है और मतलब या तो इंग्लिश या हिंदी यहाँ पर भी दिया गया है इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक भी आप पास करेंगे तो आपको ले लेगा ठीक है यहाँ पर क्योंकि और दिया गया है इंग्लिश या हिंदी ऑफिस असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों पोस्ट के लिए ठीक है और यहाँ पर सैलरी तो दिया नहीं गया है जो भी होगा यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बेसिल डॉट कॉम यहाँ पर जाइएगा आपको तो रिक्रूटमेंट फॉर्म पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपको ठीक है पच्चीस अप्रैल 2022 लास्ट डेट है ये रहा उसका ईमेल आईडी और यहाँ पर फोन नंबर कोई भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं ठीक है अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है ठीक है आपको विज्ञापन आप संख्या देखना है बेसिक जो आपका डिटेल्स है वो डालना है आपका जो भी एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस है वो डालना है आपका जो भी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी है डालना है आपको जो पेमेंट है फीस यहाँ पर लिया जाएगा वो भी पेमेंट करना है ठीक है जो पेमेंट है फ्रेंड्स वो जो है जनरल के लिए सात सौ पचास रुपये ओ बी सी के लिए सेम है एस सी एस टी के लिए चार सौ पचास रुपये है बाकी यहाँ पर दिया गया है देख लीजिएगा ठीक है ये आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो एक बेहतरीन मौका है जो भी इंटर पास है या ग्रेजुएट है डेटा एंट्री ऑपरेटर या ऑफिस असिस्टेंट बनने का मौका आपको दिल्ली में जॉब लोकेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करने का मौका मिलेगा जो कि एक अच्छा यहाँ पर एजेंसी है और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा ठीक है बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं इस जॉब को पाना चाहते हैं तो ठीक है और जो लोग स्टेनो का भरे हैं पटना हाईकोर्ट में या कंप्यूटर ऑपरेटर का तो आप लोग बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक ठीक है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग